نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज की हमारी वीडियो इस उनवान पर है कि अगर ख्वाब के अंदर किसी आदमी ने गाय को देखा तो गाय को देखने की कई सूरतें हैं। नंबर एक, किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर मोटी ताज़ी गाय को देखा। नंबर दो, किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर कमज़ोर गाय को देखा। किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो गाय का दूध पी रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय का गोश्त खा रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय को मार रहा है, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय ने उसके ऊपर हमला किया है, या किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय ने उसको ज़ख्मी किया है, या ख्वाब के अंदर किसी ने देखा कि उसने गाय की चर्बी खाई है, या किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय को वो ज़िबा कर रहा है, या किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय का चमड़ा है, यानी ख्वाब के अंदर गाय का चमड़ा देख रहा है, या किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय के ऊपर सवार हो रहा है, या किसी ने गाय को देखा कि वो ज़मीन के ऊपर लेटी हुई है, और इसी तरह की और भी सूरतें हैं जो गाय के मुतालिक ख्वाब में नज़र आती हैं। अगर इन तमाम ख्वाबों की ताबीर आप जानना चाहते हैं तो आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इन तमाम ख्वाबों की ताबीर आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आप हजरात से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर गाय को देखा कि वो मोटी ताज़ी है, खूबसूरत है, देखने वाले को अच्छी लगती है, तो इस ख्वाब की ताबीर दलालत करती है, ये ख्वाब दलालत करता है रिज्क की फराकी के ऊपर और रिज्क के हलाल के ऊपर और राहत की ज़िंदगी गुजारने के ऊपर भी ये ख्वाब दलालत करता है और आसाइश से रहने के ऊपर भी ये ख्वाब दलालत करता है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने गाय का गोश्त खाया है तो इसकी ताबीर ये है कि यह ख्वाब दलालत करता है खौफ से अमन की तरफ, यानी खौफ जाता रहेगा और अमन आ जाएगा। और अगर इस आदमी की बीवी है और उस बीवी को बच्चा होने की उम्मीद है तो इंशाल्लाह इस ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाएंगे। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय के सींग हैं, यानी गाय के सींगों को देखा, तो ये ख्वाब दलालत करता है कारोबार के अंदर नफा के ऊपर और कारोबार के अंदर तरक्की के ऊपर। ये ख्वाब दलालत करता है कि देखने वाले का कारोबार तरक्की करेगा और खूब नफा कमाएगा। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने जंगली गाय का गोश्त खाया है, जंगली गाय का गोश्त खाया है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि जिस कदर गोश्त खाया है उस कदर माल के अंदर नफा पाएगा, यानी इसने गोश्त ज़्यादा खाया है तो फिर नफा भी ज़्यादा होगा और अगर गोश्त कम खाया है तो नफा भी कम हासिल होगा। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय है और हमला है तो ये ख्वाब खुशी के ऊपर दलालत करता है, खैर के ऊपर दलालत करता है, बरकत के ऊपर दलालत करता है, इसकी ज़िंदगी के अंदर खुशी होगी और कारोबार के अंदर बरकत होगी और खैर ही खैर होगी। अगर किसी आदमी ने जर्द गाय को देखा तो ये ख्वाब दलालत करता है बीमारी के ऊपर कि उसको कोई ना कोई बीमारी लगेगी, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर गाय के जिगर को देखा, गाय का जिगर देखा, तो इस ख्वाब की ताबीर जो है ये माल के ऊपर भी है, माल की ज्यादती भी है और बेटा होने की उम्मीद भी है। अगर बीवी है, हमला है, तो उसको इंशाल्लाह इस ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएंगे। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय ने उसके ऊपर हमला किया है तो ये ख्वाब सख्त तकलीफ के ऊपर मबनी है, यानी उस आदमी को दुनिया के अंदर सख्त तकलीफ होगी, नुकसान उठाएगा। ऐसे आदमी को चाहिए रुजू इलल्लाह करे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के साथ साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे
और सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात मुसीबत को टाल देता है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो गाय का दूध पी रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये बीमार है, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला इसको इज्जत और मर्तबा और मकाम अता फरमाएंगे। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने गाय को जख्मी किया है, तो जख्मी होने की मकदार इसको बीमारी होगी, यानी ज्यादा जख्मी किया है तो बड़ी बीमारी होगी, और अगर कम जख्मी किया है तो फिर थोड़ी बीमारी होगी। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय ने उसको मारा लेकिन सींग से मारा है, तो ये ख्वाब दलालत करता है इस बात के ऊपर कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई बड़ा नुकसान उठाएगा, या उसके घर वाले नुकसान उठाएंगे, या उसके ख़ानदान वाले नुकसान उठाएंगे, या ये आदमी घर वालों और ख़ानदान वालों से जुदा होगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने गाय की चर्बी खाई है, गाय की चर्बी, तो ये ख्वाब दलालत करता है खैर के ऊपर, फायदे के ऊपर, खुशी के ऊपर, इसके ऊपर खैर होगी और खुशी इसको हासिल होगी और खैर और बरकत से अल्लाह ताला इसको नवाजेंगे। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय के साथ जिमा किया है, तो ये ख्वाब भी खुशी के ऊपर दलालत करता है कि अल्लाह ताला इस आदमी को दुनिया के अंदर खुशी अता फरमाएंगे। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय को लकड़ी के साथ मार रहा है, डंडे के साथ मार रहा है, ये ख्वाब दलालत करता है गुनाह के ऊपर कि ये आदमी गुनाहगार होगा, गुनाह की तरफ ये ख्वाब दलालत कर रहा है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर गाय को देखा कि वो गाय है और बहुत कमज़ोर है, तो ये तंग दस्ती के ऊपर ये ख्वाब दलालत करता है, गुर्बत के ऊपर, फ़कर के ऊपर और गरीबी के ऊपर ये ख्वाब दलालत करता है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो गाय को ज़िबा कर रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस आदमी को दुनिया के अंदर अल्लाह ताला सआदत अता फरमाएंगे और रिज़्क़ हलाल कमाएगा और रिज़्क़ हलाल इस आदमी को मिलेगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय का चमड़ा है, यानी गाय के खाल को किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा, तो ये ख्वाब दलालत करता है ज़खीरा अंदोजी के ऊपर कि ये आदमी ज़खीरा अंदोजी करेगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो गाय से बात कर रहा है और गाय उस आदमी से बात कर रही है, ये ख्वाब भी दलालत करता है ऐश और इशरत के ऊपर। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय उसके पास आई है, तो ये ख्वाब दलालत करता है मुबारक साली के ऊपर, यानी वो साल उसका मुबारक होगा और खुशी हंसी वो साल उसका गुजरेगा। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय मुंह मोड़ के उससे चली गई है, तो ये ख्वाब दलालत करता है तंग साली के ऊपर कि ये साल इसके ऊपर तंग गुजरेगा। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय के ऊपर सवार हुआ है और सवार होकर गिर गया है, गाय के ऊपर सवार हुआ है और फिर गाय के ऊपर सवार होने के बाद गिर गया है, तो इसका माल तब्दील होगा, यानी माल ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा से अल्लाह ताला इसको माल अता फरमाएंगे। और अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि गाय ज़मीन के ऊपर लेटी हुई है, ज़मीन के ऊपर लेटी हुई है, तो ये रिज़्क़ हलाल के ऊपर दलालत करता है, अल्लाह ताला इसको माल अता फरमाएंगे। और आखिर में आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ, आखिर में मैं फिर गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं, कोई मसला पूछना चाहते हैं, या इस्तखारा कराना चाहते हैं, बच्चों को आम लैन कुरान मजीद पढ़ाना चाहते हैं या तफसीर पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ये स्क्रीन के ऊपर मौजूद है हमारा नंबर, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है, हमारा कॉल वाला नंबर भी यही है, कॉल करके भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।